गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठान एंड वेलकम टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्कूल क्लास 9। आपको मैंने सबसे पहले इसके पहले वाला डॉक्टर रमन का जो चैप्टर था, डॉक्टर रमन रामन के बारे में आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका है शुक्र तारे के समान, ठीक है। इसके लेखक है स्वामी आनंद। तो सबसे पहले अपन स्वामी आनंद जो है स्वामी आनंद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सन्यासी स्वामी आनंद का जन्म गुजरात के काठियावाड़ जिले में किमड़ी गांव में सन 1887 में हुआ। इनका मूल नाम हिम्मतलाल था। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? गुजरात में। गुजरात का एक जिला है काठियावाड़, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और जन्म के बाद ही जब ये 10 साल के थे तो कुछ साधु इनको अपने साथ हिमालय पर ले गए और इनका नाम स्वामी आनंद रखा। 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंद अखबार निकाला, फिर बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़ गए। 1917 में गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाल ली। इसी बहाने इन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारे लाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के बाद कई लोगों से, जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, गांधी जी हैं, गांधी जी के बाद उनके सहयोगी थे देसाई जी, उनके साथ, तो ये सभी के साथ जुड़े और उनको जानने का मौका मिला इनको। मूलतः गुजराती भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्तता दिनचर्या को उकेरा है। इन्होंने क्या बताया है? गांधी जी के जो सहयोगी थे देसाई, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनकी व्यस्तता, उनकी दिनचर्या के बारे में इस चैप्टर में बताया है। अपने इस रेखा चित्र के नायक के व्यक्तित्व और उनकी ऊर्जा, उनकी लगन और प्रतिभा के साथ अभिभूत है। महादेव भाई की सरलता, सज्जनता, निष्ठता, समर्पण, लगन और निर्भीक निरभिमान को लेखक ने पूरी ईमानदारी से शब्दों में पिरोया है। जो देसाई थे, महादेव भाई देसाई थे, उनके जीवन में सहजता, सरलता और निष्ठा, उनका समर्पण, काम के प्रति लगन, भावना और जरा भी अभिमान ना होना, उनको जरा भी किसी चीज़ का अभिमान नहीं था, अपना काम ईमानदारी से किया। तो इस सभी चीज़ों को जो लेखक है उन्होंने क्या है, अपने शब्दों को ईमानदारी से इसमें पिरोया है। पाठक को महादेव भाई पर अभिमान होता है। देखिए, लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर पाता है जब उसके साथ ऐसा सहयोगी हो जो उसकी तमाम इतर चिंताओं और उलझनों को अपने सिर ले ले। कोई भी व्यक्ति, लेखक ये समझाना चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जब महान बनता है
जब उसके पीछे कोई अच्छे व्यक्ति का हाथ होता है। गांधी जी के लिए महादेव भाई और भाई प्यारे लाल जी ऐसे ही शख्सियत थे, जो गांधी जी के साथ जो थे महादेव भाई और उनके सहयोगी थे प्यारे लाल, वो दोनों ऐसे थे जो हमेशा हर समय गांधी जी के साथ रहे हैं। तो ये उनका परिचय हो गया है, चैप्टर का परिचय दे दिया है और जो लेखक है उन्होंने अपना परिचय दे दिया। इसके बाद अपन थोड़ा सा देखते हैं, पार्ट को देखते हैं, हो जाएगी थोड़ा एक आध पैराग्राफ हो जाएगा आपका आज। देखिए, चैप्टर का नाम है शुक्र तारे के समान। आकाश में तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं है, शुक्र चंद्रमा का साथी माना गया है। जो चंद्रमा के नीचे कभी ऊपर होता है कभी नीचे, तो वो जो शुक्र तारा है वो चंद्रमा के साथ ही निकलता है, चंद्रमा के साथ ही अस्त होता है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कभी थके नहीं, कभी भी नक्षत्र मंडल के मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो एन शाम के साथ बड़े सवेरे घंटे दो घंटे से अधिक देख नहीं पाती। शाम के समय और बड़े सवेरे मतलब जल्दी से घंटे या दो घंटे से ज़्यादा इसको देख नहीं पाती। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के ऊषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगा कर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हमला कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके फिर वर्चीय भीष्टिखर के रूप में देने में वो गौरव का अनुभव किया करते थे। देखिए, परवीर जी भीष्टिखर का अर्थ होता है सभी प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकने में समर्थ व्यक्ति। तो वो अपने आप को क्या समझते थे, गांधी जी के सभी कार्यों को कर सकने वाला व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझते थे कि मैं गांधी जी के सभी कार्यों को कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया है। सेकंड पैराग्राफ से अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब आप इसके शब्दार्थ जरूर एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।